आप अपने सारे कार्य स्वयं कर लेते हैं अथवा नहीं? यदि सारे के सारे कार्य जीवात्मा को स्वयं करने होते तो क्या होता, कैसा रहता? नहीं, जिस जैसा भी है ये स्वरूप में तो भेद करना नहीं था। इस काम इसको इसका जो तुम्हारा है अपना करो, सहायता जो कर रहा है वो ये बोलते थे अपना काम अपने आप करो, हम नहीं करेंगे, तब क्या होता? नहीं आ रहा? हाँ, जीवात्मा को जीने के लिए, रहने के लिए जितने कार्यों की आवश्यकता होती है वो सारे कार्य तो नहीं करता है ना ये। तो अब होता है कि सारे कार्य तो करता नहीं, दूसरे इसके कार्य को करते हैं, तो दूसरा जो करता है सहायता वो छोड़ देता है कि मैं तो नहीं करता, चल अपने आप कर लो अपने काम, तब क्या होता? देखो जैसे कि हम भोजन करते हैं, तो भोजन तक तो हम कर लेते हैं, और पेट में डालने के बाद फिर क्या करते हैं? अगर अपने आप ये काम करना होता तो क्या होता? सांस लेते हैं, ये सांस अपने आप लेना होता फिर क्या होता? सोने के बाद उठते कि नहीं उठते फिर? हैं, सोते ही नहीं, मान लो सो जाते फिर सो ही जाते, उठ ही नहीं सकते थे, भूल जाते। अब देखो हमारा जीवन जो है एक क्षण भी हमारे हाथ में नहीं है, यानी बिना सहायता के हम एक क्षण भी नहीं जी सकते। निरंतर दूसरों की सहायता पर ही हम जी रहे हैं, आपस में मनुष्यों की सहायता तो फिर भी थोड़ी है, लेकिन मन ईश्वर की सहायता के बिना जीवन ही असंभव है। जीवन का पहले प्रारंभ ही नहीं हो सकता था। प्राण क्या अभी चला रहे हैं क्या? अभी भी तो नहीं चलाते हैं ना, जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहता है ये। इसमें इंजन में देखा है, वायु जाती है अंदर अलग से, इसकी नाक देखिए इंजन की कहाँ होती है, ट्रैक्टर की नाक देखिए ऊपर तो उसके निकलता है धुआं, वायु जाने वाली दूसरी होती है ना नाक, नहीं ध्यान है? दूसरी तरफ एक होते ही ना नाक लगी हुई होती है डिब्बा सा, एक तो धुआं निकलने वाला होता है एक तरफ, और दूसरी तरफ भी तो एक होता है ना इस तरह से, उससे हवा जाती है इंजन में, जहाँ भी तेल जलता है ना वहाँ वायु भी जाती है,
उसके बिना वो तेल जलेगा ही नहीं, केवल ऑक्सीजन की अपेक्षा उनको भी रहती है, उसके बिना आग जलेगी नहीं। सभी में होगा, जितने भी इंजन हैं तेल से, जितने भी चलने वाले हैं सभी में होगा, उसके बिना वो जलेगा ही नहीं। आग नहीं जलती ना बिने हवा के, बिना आग जलती नहीं। तो इसमें उसने कैसे लगा दिया, जब बना रहा था उसी समय लगा दिया उसने, उसके बाद अपना हो जाती रहती हवा। ऐसे ही जब शरीर बना रहा था ईश्वर, तो उसने इसमें लगा दी नाक, भाई वहाँ तक जाती रहेगी हर समय। और शरीर में जैसे हृदय चलता रहता है, तो एक तो वो भी गति देता रहता है, और उस हृदय को भी मन हमारा गति देता रहता है। मन के अंदर इतने संस्कार वो भर देता है उस समय कि वो चलता रहेगा। फिर नहीं, ये दूसरे छेद केवल जो है, नासिका को नासिका इंद्रिय क्यों कहते हैं, नहीं ये जो त्वचा इंद्रिया है ना, त्वचा इंद्रिया, इसको त्वचा इंद्रिय क्यों कहते हैं, बड़ा ध्यान है आया क्या न्याय में, सांख्य में नहीं है, योग में। इसको कहते हैं तुक स्थाना त्वच, स्थान के कारण इसका नाम पड़ा हुआ है, तुक इंद्रिय का नाम, तुक में रहने के कारण से इसको तुक इंद्रिय कहते हैं। ऐसे ही नाक में रहने के कारण इसको नासिका इंद्रिय कहते हैं, स्थान के कारण से उस इंद्रिय का नाम ऐसा हो गया है। तो नाक अलग है, नासिका इंद्रिय अलग है। नाक तो ये छेद है जिससे जाती है वायु अंदर, तो इसमें वायु जब भी जाएगी ना वो पिस्टन प्रक्रिया से ही जाएगी, वैसे नहीं जाएगी। तो कोई खींचने धकेलने वाला होना चाहिए तब वो अंदर जाएगी, बाहर आएगी वैसे नहीं आ सकती है। तो उसी शरीर के अंदर वो लगा दिया उसने खींचने वाला। जितने भी शरीर हैं ना, जीवित पेड़ पौधे से लेकर के शरीर तक, सब में इंजन चलते रहते हैं दिन रात। वो इंजन ही तो सब खींचता है इसको। आप मुंह में डालते हैं तो डालने से थोड़े जो चला जाता है भोजन अंदर, भोजन डाल खींचने के लिए भी वायु होती है भीतर। अपान है शायद, है प्राण ही खींचता है शायद, यानी प्राण वायु से खींचा जाता है, पानी है चाहे भोजन है, खींचा जाता है तब नीचे जाता है वो, बिना खींचे वो नहीं जाएगा नीचे। कभी कभी तो धकेल देते हैं ना बाहर, उल्टी हो जाती है, अभी कुछ हो जाते हैं, तो कितना वेग से आता है, एंगर वेग से बाहर निकलता है वो, ऐसी वेग से खींचा भी जाता है। कभी कोई चीज़ देखना यहाँ डाल करके गिर गया तो ना बाहर नहीं निकाल पाएंगे इसको, वो अंदर चला जाएगा। ऐसे गिर थोड़े जाता है, इतना वो सटा हुआ है ये, ऐसे गिर जाएगा थोड़े, ये गोली इतनी बड़ी गोली भी नहीं गिर के जाएगी वहाँ, पानी भी नहीं जा सकता है, घटकते हैं। नहीं निकल तो जाएगा, लेकिन वो अपने आप जाता नहीं है अंदर, खींचते हैं तब जाता है। नहीं वो चिपकी हुई है ना, ये तो खुली थोड़े है, ऐसे ऐसे खुली नहीं है, भरी हुई है, तो उसमें वायु लगी हुई है, वायु के कारण खींचता है भोजन।
भोजन है, पानी है, जो भी है, वो खींचता है तब वहाँ जाता है। वो आगे से आगे वैसी नई नई प्रक्रिया बनी हुई है, आगे आगे धकेलता खींचता जाता है। तो ये प्रक्रिया ईश्वर ने बना रखी है इसमें, तब निरंतर ये पाचन वाली क्रिया चल रही है हमारे शरीर में। अगर ऐसा नहीं किया होता ईश्वर ने, तो ये पाचन प्रक्रिया चलती ना, ये जीवन चलता, ये तो खम्भे की तरह खड़े हो जाते, जैसे ये सब खड़े हैं बस। एक छोटा बच्चा कोई बड़ा नहीं होता कभी, बड़े केवल छोटे होते, छोटा से बड़ा कोई नहीं होता। ये प्रक्रिया और किसी की सहायता से हम नहीं कर सकते, ये केवल ईश्वर से ही संभव है, और किसी से नहीं संभव। छोटा बच्चा पहले बड़ा होता है ना, बड़ा होने के बाद रुकता है, रुकने के बाद थोड़ा सा फिर प्रौढ़ होता है, प्रौढ़ होने के बाद बूढ़ा होने लगता है। ये चीज़ें थोड़ी बड़ी होती है पहले, ये तो सीधी बूढ़ी होती है, पुराना होने लगता है ना ये तो एकदम से। पहले नया होता हो ऐसा तो होता नहीं, जिस दिन बना उसी दिन इसका नयापन आया, उसके बाद सीधे पुराना ही होगा। तो जड़ चीज़ों में छह विभाग नहीं हो पाते, चेतन में छह विभाग होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। ये छह भाव चेतनों में होते हैं, जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति। चेतनों जड़ों में क्या होता है, जायते, अस्ति, विपरिणमते, अपक्षीयते, विनश्यति। वर्धते वाला भाग नहीं होता है इसमें, पांच भाग होते हैं जड़ों में। तो जैसे यहाँ जड़ पदार्थों में पांच विभाग करने पर होते हैं, अपने आप तो एक भी नहीं होता है, तो ऐसे ही छह विभाग यहाँ भी जो होते हैं, ये भी किए हुए होते हैं, बिना किए कैसे हो जाएंगे। तो इस कारण से जहाँ भी हम देखें कि जब हम कहते हैं कि अपने हम तो किसी की सहायता नहीं चाहिए, अपने आप जी लेंगे, तो वहाँ बाहर के व्यक्तियों की तो की जा सकती उपेक्षा, ऐसे व्यक्तियों का भी संभव नहीं होता है, थोड़ी देर के लिए है, लेकिन ईश्वर की तो वहाँ भी नहीं हो सकती उपेक्षा। ईश्वर के बिना हमारा जीवन आगे चल ही नहीं सकता है। चाहे श्वास लेना है, चाहे जीवन जीना है, चाहे जो भी है, मन बुद्धि से जो काम कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, अब ये सब के सब क्या हैं, व्यवस्थित हैं हमारे, अलग अलग विभाग हैं, यंत्र हैं सब। अंदर जितनी प्रक्रिया होती है उसमें से हम 1% भी नहीं जानते कैसे हो रहा है, और बाहर की अपेक्षा से अंतर कई गुना काम हो रहे हैं। भीतर जो है एक क्षण भी कोई काम बंद हो ही नहीं रहा है, प्राण है सुप्तेषु जागृति, जब सब सो जाते हैं उस समय प्राण जागता रहता है। तो ऐसे भी शरीर के अंदर एक क्षण भी अगर रुक जाए ना, सब ठप हो जाएगा, इसलिए इसमें कभी कोई काम रुकता नहीं, निरंतर होता रहता है। तो बाहर से तो भले ही हम कह देंगे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर निरंतर कार्य होते रहते हैं, और एक प्रकार के नहीं, पता नहीं कितने प्रकार के कार्य हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे जो कार्य होंगे, और बिना किसी अध्यक्ष के कैसे हो सकते हैं। कोई भी यंत्र जहाँ कहीं भी लगा हुआ है,
उसके पीछे एक देखने वाला रहता है, अन्यथा ये तो थोड़े दिन में खराब होते रहते हैं। ऐसे ये भी है, ये भी बिगड़ते रहते हैं भी। शरीर स्वाभाविक नहीं है क्योंकि ये बिगड़ता है, इसलिए बिगड़ने के कारण के मतलब ये है कि ये किया गया है ऐसा। स्वाभाविक होता तो बिगड़ने की स्थिति नहीं आती इसमें, तो लेकिन बिगड़ता है इसलिए स्वाभाविक नहीं है, और स्वाभाविक नहीं है तो फिर नैमित्तिक है, कृत है ये। तो कृत है तो अब इसका कर्ता भी इसके अनुसार ही होना चाहिए। तो इस कारण से जब कभी अपने को ईश्वर के विषय में संशय होता है, ईश्वर है या नहीं है, या अभी ईश्वर है तो क्या कर रहा है, वर्तमान में ईश्वर के क्या काम है, एक तो हो सकता है ना सृष्टि बना दिया चलो छुट्टी होगी, और क्या, और ज़रूरत क्या है आगे, तो ऐसा भी नहीं है। ईश्वर के जो कार्य हैं वो अभी भी हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि ईश्वर के काम ख़त्म हो गए, अभी भी चल रहे हैं उसके। ये ठीक है उसने शुरू कर दिया है, लगातार नहीं कर रहा है, लेकिन जो भी शुरू कर दिया है वो भी चल ही रहा है। हम भी तो वही काम करते हैं ना, जो चलाने के बाद बंद हो जाता है तब चलाते हैं, अब वो चला दिया चलते रहता है तो थोड़े हम छेड़ते हैं उसको, ऐसे तो करते नहीं हैं। हमारे यंत्र हैं वो बीच बीच में चूँकि बिगड़ते रहते हैं इसलिए इनको ज़्यादा देखना पड़ता है, ईश्वर के यंत्र हैं वो जल्दी नहीं बिगड़ते हैं इसलिए उसको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन है तो किया हुआ तभी तो इतना चल जाता है, यंत्र है तो बिगड़ने की चीज़ है, अब फिर भी नहीं बिगड़ रही इसका मतलब है उसका मिस्त्री की विशेषता से है। जो बेकार मिस्त्री होते हैं चीन का माल बताते हैं जैसे, चल गया तो चल गया नहीं तो बस, तो जो मिस्त्री बेकार होते हैं उनके माल बिगड़ते रहते हैं बीच में ही, बन यंत्र उनके बिगड़ते रहते हैं, लेकिन जो ईमानदार या अच्छे मिस्त्री होते हैं उसके भी कार्य नहीं बिगड़ते हैं बीच में। तो अब जिस शरीर में जहाँ कहीं भी मान लो कोई बिगाड़ नहीं आ रहा है तो उसका अर्थ है कि उसकी रचना ठीक ठाक चल रही है, और जिसके में बिगाड़ आ रहा है उसने उस रचना को बाधित किया है किसी न किसी ढंग से, उसकी रचना बाधित हो गई है इस कारण से उसमें बिगाड़ आ गया, लेकिन है वो किया हुआ, बिना किए नहीं हो सकता है। तो जिस समय हमारा शरीर ठीक ठाक चल रहा है उस समय भी है उसका रचयिता की विशेषता से, जो उसने इतने अच्छे बना दिए कि बिगड़ नहीं रहा चल रहा है अभी तक। और दूसरा फिर होता है कि जो हम कार्य कर रहे हैं अब, तो एक एक कार्य जो कर रहे हैं इसको हम तो गिन सकते नहीं कितने काम किए हमने, हमारे पास इसका कोई संग्रह रह नहीं सकता है, और ना शरीर में रहेगा ना मन में रहेगा, क्योंकि मन में भी वही संस्कार बनते हैं जिसका हमने कोई निर्णय किया हुआ है, निश्चयात्मक अनुभूति होती है तो संस्कार बनते हैं, निर्णय नहीं होता है तो संस्कार ही नहीं बनते हैं उसके, तो बहुत सारे अनुभवों के तो संस्कार ही नहीं बनते हमारे, तो सारे के सारे इकट्ठे भी नहीं हो सकते और याद तो वैसे ही नहीं रहते हैं। तो अगर हमारे कर्मों की गिनती नहीं होती तो अगला जन्म क्या हो जाता, फिर जैसा तैसा होता, हो ही नहीं पाता, क्योंकि ये अगला जन्म जो मिलना है अपने को वो कर्माशय के आधार पर मिलना है, और वो कर्माशय हमारे पास इकट्ठा नहीं, हम जानते नहीं हैं, मन में सारे इकट्ठे हो नहीं पाते हैं, चल रहे हैं जैसे चींटी मर गई पैर से दब के, तो उसको हमने देखा भी नहीं तो उसके संस्कार कब बनेंगे, बनेंगे ही नहीं, लेकिन फल तो मिलेगा उसका,
कर्माशय तो वो बन गया है, तो अब कर्माशय बन गया है वो तो तभी होगा ना जब उसको कोई इकट्ठा करने वाला है, किसी के पास तो इकट्ठा होना चाहिए वो, तो हमारे पास तो कर्म इकट्ठे होते नहीं हैं तो सारे, तो अब उसका जो इकट्ठा करने वाला होना चाहिए उसके लिए ज़रूरी है कि जितने क्षण में वो कर्म बना, जिस क्षण हुआ है उसी क्षण उसको जाना है, उसे जानने के बाद उसके संग्रह कर लिया। कर्मों का संग्रह करने के लिए हमारे पास अन्य कोई कुछ भी नहीं है सिवाय ईश्वर के, तो ईश्वर के द्वारा ही हमारे कर्मों का सतत संग्रह हो रहा है। अगला जन्म यदि हमें लेना है तो उसके लिए कर्माशय अनिवार्य है, होता है, और कर्माशय की अनिवार्यता बिना ईश्वर के संभव नहीं है और किसी ढंग से। तो अब इससे ये होता है कि यदि हमें अगला जन्म होना है, कर्म के आधार पर होना है, तो वर्तमान में जो कर्म हम कर रहे हैं इसको इकट्ठा करने वाला हमारे साथ साथ ही होना चाहिए, उसके बिना ये कर्म फल की व्यवस्था फिर नहीं होगी। तो हम कर्म कर रहे हैं और हमारी कर्मों की गिनती हो रही है, इसका मतलब ईश्वर हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं। इस कारण से जितने भी जन्म हो रहे हैं अभी वर्तमान में भी, वो सभी के पीछे उनका कर्म है, कर्माशय है, तो कर्माशय तो उसका इकट्ठा करने वाला भी रहा, तो वो अभी भी है। तभी तो जन्म या मृत्यु की जो स्थितियां चल रही है वो इसलिए चल रही है कि उसका आधार जो है कर्म वो विद्यमान होता है, और वो केवल ज्ञान में ही होगा, विद्यमान और कहीं नहीं हो सकता। जैसे बिजली वैसी इकट्ठी नहीं होती कहीं पर, ऐसे ज्ञान या कर्म ये सब ऐसे गुण है, इसको इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। बिजली जैसे इसमें होता है ना, क्या नाम है, बैटरी में, तो बैटरी में बिजली थोड़ी इकट्ठी होती है, तो बैटरी के जो पदार्थ अवयव होते हैं वो सक्रिय केवल हो जाते हैं उससे, और फिर दोबारे वैसे वो कर देते हैं उत्पन्न, बिजली नहीं होती इकट्ठी। ऐसे हमारे ज्ञान इकट्ठे नहीं होते हैं कभी, जो भी हम अनुभूतियाँ कर रहे हैं ना वो तो उसी क्षण नष्ट हो जाती है। उस ज्ञान के अनुसार संस्कार बनते हैं हमारे, वो इकट्ठे होते जाते हैं संस्कार, ज्ञान नहीं होता इकट्ठा, पर उसी संस्कार से फिर वैसे ज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। ईश्वर के पास भी संस्कार रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, ज्ञान तो बंद हो जाएगा, लेकिन संस्कारों के कारण से फिर उसके भी ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे तत्काल। तो कहने का अभिप्राय यही है कि जब कभी हमें ये लगता है कि ईश्वर अब कहाँ है या अब क्यों है, तो उसके लिए यही हेतु है। पहले यही है कि हम बिना ईश्वर के आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। हमारा जीवन यानी कितने सारे कार्य हम कर रहे हैं जो कर ही नहीं पाते हैं और बिल्कुल ज़रूरी है हमारे, और वो हम किसी से ना तो करा सकते हैं ना कर सकते हैं, तो उसकी व्यवस्था या करने वाला होना चाहिए, इस कारण से ईश्वर की आवश्यकता है। और सबसे बड़ा है कि हमारा जो कर्माशय है उसके संग्रह के लिए ईश्वर का होना नितांत आवश्यक है। तो अगला जन्म होगा इसलिए क्योंकि ये पहला जन्म पिछला जन्म हुआ है, तो जैसे पिछला जन्म हुआ तो इससे पिछले जन्म में इसकी कर्माशय हुए थे संग्रहित, उस कर्माशय के आधार पर वर्तमान जन्म हुआ है, तो अगर वर्तमान जन्म कर्माशय के आधार पर हुआ तो अगला जन्म फिर होगा वो भी कर्माशय के आधार पर होगा,
तो उसके लिए अब प्रत्येक्षण उसका संग्रह करने वाला चाहिए, वो संग्रहिता ईश्वर हैं। इस कारण से ईश्वर का कभी अभाव नहीं होता। अनुमान से या तर्क से इस प्रकार से ईश्वर की सिद्धि होती है। अब ये अलग बात है कि हमारी अनुभूति में नहीं होता है हर समय। तो अनुभूति में तब तक नहीं होगा जब तक निरंतर तत्संबंधी ज्ञान उत्पन्न ना होने लगे। उस स्तर के ज्ञान या उतने मात्रा में ज्ञान जब होने लगेंगे तब तो सदा वर्तमान है ये भी लगने लग जाएगा। लेकिन उससे पहले फिर इसी तरह से अनुमान से हम ईश्वर के उस अविद्यमानता को हटा सकते हैं और विद्यमानता को फिर अपने मन में धारण कर सकते हैं। इस प्रकार से अपने ही द्वारा, अपने शरीर के माध्यम से या अपने ही कर्मों से फिर हम ईश्वर की इस प्रकार से अनुमान से सिद्धि करते हैं या करना चाहिए। तो ऐसे अनेक प्रकार के हेतु इसमें बनते हैं जिससे ये होता है। यानी मन में कभी ये नहीं लगते रहना चाहिए कि ईश्वर का अभाव हो गया। ईश्वर का अभाव होने के बाद संस्कार विपरीत बनने लग जाएंगे। तो विपरीत संस्कार हमारे नहीं बने, उस कारण से फिर आवश्यक होता है कि कैसे भी हो हमें ईश्वर की सिद्धि करते रहनी चाहिए। मान्यता से ईश्वर का विरोध या लोप नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार से, चाहे शाब्दिक रूप में हो या फिर अनुमानिक रूप में हो, जैसे भी हो सकता है, अपने स्तर पर ईश्वर के विषय में चिंतन विचार करते रहना चाहिए और फिर प्रमाणों के आधार पर उसको जानते रहना चाहिए अनुमान आदि प्रमाण से।